अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द शो बुल्स एंड बेयर्स। मैं हूं आपकी होस्ट नताशा हसी। डेटेड 7th ऑफ नवंबर थर्सडे आफ्टरनून, इट मींस मार्केट का फोर्थ डे ऑफ ट्रेडिंग। मार्केट ट्रेंड आज ओपनिंग से कुछ नेगेटिव और कुछ पॉजिटिव जोन में दिखाई दिया। कल के पॉजिटिव बिहेवियर के बाद मार्केट के जो सर्कमस्टांसेस थे वो काफी हद तक आज एक करेक्शन की तरफ और एक हेल्दी गेन्स की तरफ नजर आए। रेंज बाउंड सिचुएशन नजर आई, इंट्राडे लो बना और उसके बाद मार्केट ने दोबारा बाउंस बैक करके इंट्राडे हाई बना विच इज 35,834 पॉइंट। फाइनली मार्केट के अंदर क्लोजर पॉजिटिव चेंज के साथ रहा, यानी 105 पॉइंट का पॉजिटिव चेंज रहा। 35,700 अबव, यानी 35,758 पॉइंट पर मार्केट का क्लोजर रहा। इट मींस वेल अबव 35,500 के बैरियर से मार्केट का मोमेंटम काफी हद तक एक पॉजिटिव जोन में दिखाई देता है। इट मींस के जो नंबर्स ऑन ट्रैक नजर आते हैं, इसके साथ साथ इन्वेस्टर्स का जो बिहेवियर है वो भी काफी हद तक पॉजिटिव साइड पर नजर आता है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि मंडे से बुल्स का होल्ड मजबूत होता हुआ नजर आ रहा है और बुलिश मार्केट, इट्स अ गुड साइन, हेल्दी साइन फॉर दी सेंटर के मार्केट के अंदर काफी हद तक वो पॉजिटिविटी प्रिवेल हो रही है और जो इन्वेस्टर्स हैं वो काफी हद तक कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इन तमाम चीजों पर भी बात करेंगे। देखते चलते हैं डेली हाईलाइट्स आज के मार्केट की परफॉर्मेंस। ओपन हुई मार्केट 35,653.33 के लेवल पर। हाई साइड मार्केट की 35,834.24, लोअर वॉज 35,458.10 एंड फाइनली क्लोजर रहा 35,758.52 का, यानी 105.19 के पॉजिटिव चेंज के साथ। टर्नओवर में करंटली मार्केट ने 265.95 मिलियन शेयर ट्रेड किए हैं। कल के मुकाबले में डिक्लाइन नजर आता है 32.11 का। वैल्यू रही 8.02 बिलियन रूपीज और वॉल्यूम लीडर्स ने WTL स्पेस को लीड कर रहे हैं। पॉजिटिविटी के साथ 0.21 का इजाफा देखा गया। 1.70 पे क्लोजर, 48.81 मिलियन शेयर ट्रेड किए गए। पेल सेकंड स्कॉर पे 0.01 का माइनर डिक्लाइन, 20.05 पे क्लोजर, 16.71 मिलियन शेयर ट्रेड किए गए। लास्टली ICIBL 0.09 का माइनर इजाफा देखा गया, 0.91 पे क्लोजर रहा, 13.63 का कारोबार रहा। यह था वॉल्यूम लीडर्स और मार्केट की परफॉर्मेंस। ओवरऑल मार्केट के सेंटिमेंट्स पॉजिटिविटी की डायरेक्शन में नजर आते हैं। इसके साथ साथ इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स भी काफी हद तक अट्रैक्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज का प्रोग्राम स्पेसिफिकली हम इंटरनेशनल मार्केट पे और रेवेन्यू जनरेट करने पे एम्फेसिस करेंगे कि काफी चीजें जो मार्केट के लिए पॉजिटिव होती हैं लेकिन सम हाउ वो अट्रैक्ट नहीं हो रही होती हैं। तो इन तमाम चीजों के पीछे क्या सिनेरियो है, क्या चीजें हैं जिनके ऊपर काम करने की जरूरत है, इसके साथ साथ वो कौन से लूप होल्स हैं जो हम छोड़ देते हैं जिन पर भी काम किया जा सकता है, बात करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं, प्रोफेसर डॉक्टर अथर अहमद साहब, उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, वेरी वार्म वेलकम टू द शो। आपकी एक्सपर्टीज बहुत ज्यादा है इंटरनेशनल मार्केटिंग में, आपने PhD किया हुआ है, पाकिस्तान में आप फर्स्ट हैं ऐसे पर्सन जो PhD हैं। तो इन तमाम चीजों को देखते हुए कैसे एनालिसिस करेंगे कि इंटरनेशनल मार्केटिंग कैसे अट्रैक्ट हो पाकिस्तान में, इसके साथ साथ जो हमारी मार्केट का बिहेवियर है बहुत पॉजिटिव नजर आता है, इन्वेस्टर्स भी बहुत कॉन्फिडेंस हैं, तो इंटरनेशनल इन्वेस्टर को कैसे एग्जैजरेट किया जाए? देखिए, इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट को जो यहां पर अट्रैक्ट करने की आप बात करें और जो भी आपने बताया ये स्टॉक मार्केट की सिचुएशन, ये इसके लिए जो प्री रिक्विजिट है ना वो है इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस। तो इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस के लिए आप अकेले नहीं है, एक के काम करने से इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस बिल्ट अप नहीं होता, ये इट्स आउटकम ऑफ टीम एफर्ट। तो ये टीम एफर्ट में आपको सिर्फ आपके घर से निकली हुई आवाज नहीं चाहिए, आपको बैन अवी इदारों की तरफ से निकली हुई आवाजें भी चाहिए। अब रिसेंटली अब आपने देखा है, आपके प्रोग्राम में भी हमने देखा कि जो जिस तरीके से इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस बिल्टअप हुआ, अब देखिए इंटरनेशनल रिपोर्ट जो होती है ना वो न्यूट्रल है, जब हमारी रैंकिंग बढ़ी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हम बेहतरी की तरफ आए। ठीक है, हम बेहतरीन तरीन नहीं हो गए लेकिन बेहतरी की तरफ बढ़ना शुरू हो गए हमारे, और फिर हमारे लोन रीपेमेंट में अगर आप देखें तो ये बड़ी खामोश है। अरनों के बाय मीडिया आंग बंद किए हुए, मुंह बंद किए हुए कि हमने अच्छा खासा अमाउंट हम पे बैक कर रहे हैं। तो जब ये चीजें होंगी, पाकिस्तान के डेट क्लियर होंगे और फिर वर्ल्ड बैंक की ये रिपोर्ट होगी। सर, आपने जिक्र किया कि मीडिया क्यों खामोश है, तो नफरतें जो है वो जल्दी फैला दी जाती हैं और पॉजिटिवनेस जो है या फिर एक जो अच्छा काम होता है उसे देर में फैलाया जाता है, ऐसा ही है? बिल्कुल सही बात है। देखिए ना, पहाड़ पर चढ़ना मुश्किल है और उतरना आसान है, तो बिल्कुल नेकी और बदी का भी यही सिचुएशन है कि अच्छे काम की तरफ हाँ हो रहा होगा, ये तो उनका काम है करना, तो हम इस सेंस में ले रहे हैं, हमें इस सेंस पॉजिटिव सेंस में लेना चाहिए कि अच्छा काम हो रहा है, वो अच्छा काम हो रहा है। आपका सब्जेक्ट रहा है कि रेवेन्यू कैसे जनरेट किया जाए, CPAC के थ्रू हम बात करते हैं कि रेवेन्यू कैसे जनरेट किया जाए। एट द सेम टाइम चाइना इज टेकिंग बेनिफिट लेकिन पाकिस्तान के पास वो बेनिफिट अभी इतना ज्यादा एक इन हैंड नहीं है, तो वो कैसे लिया जाए? देखिए,
نہ تو میں بین الاقوامی تعلقات کا ماہر ہوں، نہ تو میں آپ کے کوئی لیگل ایکسپرٹ ہوں، لیکن میں بحیثیت ایک انٹرنیشنل مارکیٹنگ ایکسپرٹ کے میں آپ کو یہ جواب دوں گا کہ سی پیک سے ریونیو کیسے جنریٹ کر سکتے ہیں. دیکھیں سی پیک، سب سے پہلی بات تو میں یہ بتا دوں، ٹھیک ہے فزیکلی پاکستان میں موجود ہے، لیکن سی پیک کے بینیفیشریز میں پوری دنیا ہو سکتی ہے، پوری دنیا ہو سکتی ہے. یہ خالی پاکستان کو بینیفٹ نہیں دے رہا، پوری دنیا کو دے رہا ہے. اب پوری دنیا کو کیسے دے رہا ہے؟ اب یہ دیکھیں، ہم بات کریں کہ سی پیک کی، ہم نے جو سی پیک سیل بن رہا ہے ابھی نہیں نیا، تو سی پیک سیل میں ایک لازمی چیز جو ہونی چاہیے وہ سی پیک کا مارکیٹنگ سیل ہونا چاہیے. کہ سی پیک میں کیا کیا مارکیٹنگ کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ کریٹنگ ڈیمانڈ اینڈ میٹنگ ڈیمانڈ. تو آپ ڈیمانڈ کس طرح سے کریٹ کر رہے ہیں؟ اب آپ یہ بتائیے، آرگنائزیشن آف افریقن یونٹی، افریقن کنٹریز کے 32 ممبرز ہیں اس میں. اگر آپ اس آرگنائزیشن آف افریقن یونٹی کو اپروچ کرتے ہیں اور ان کو اسٹیمولیٹ کرتے ہیں فار اسٹارٹنگ ٹریڈ وتھ سینٹرل ایشین اسٹیٹس، یہاں 32 ممالک ہیں افریقن کنٹریز اور یہاں 6 ممالک ہیں سینٹرل ایشین اسٹیٹس کے اور چائنا ہے 7واں، تو پھر جب ان کی ٹریڈ ان 7 ملکوں کے ساتھ ہوگی اور گوادر کے راستے ہو جائیں گے آلریڈی، تو کتنا آپ یہ بتا لیں کہ کتنی زیادہ ان کو سیونگ ہوگی. ورنہ جو عربین سی میں ایک ویسل داخل ہوتا ہے اور چائنا کے پورٹ پہ جاتا ہے تو یہاں سے 18,000 میل کا فاصلہ ہے، تو 18,000 میل کا فاصلہ بچتا ہے، ٹھیک ہے نا. پھر چائنا میں لینڈ روٹ سے 6,000 کلومیٹر چلنا پڑتا ہے. تو آپ نہیں سمجھتے کچھ اس میں کچھ پولیٹیکل انفلوئنس اٹریکٹ ہو رہا ہے اس کی وجہ سے یہ ابھی تک یہ تمام جو ہے وہ امپلیمنٹ نہیں ہوئے ڈیسیزنس؟ دیکھیں امپلیمنٹ تو یہ جب پورا سی پیک کا پروجیکٹ کمپلیٹ ہوگا تو تب سے یہ ہوں گے نا، اسٹارٹ ہمیں بھی لے سکتے ہیں. اس لیے جب آپریٹو تو ہو گئی ہے، ٹوٹل پروجیکٹ میں تو 120 برتھ ہیں گوادر کی، لیکن 120 بننے میں بہت ٹائم لگے گا. ابھی بھائی جتنی بھی ہے اس پر کام شروع کریں. اگر گوادر میں تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو بینیفٹ دیا ہے، 18.2 میٹر کی ڈیپتھ کی پورٹس ہیں یہاں پہ جو ڈائریکٹ ویسل یہاں پہ لگ سکتی ہے. بالکل. جبکہ اگر یہ بڑے ویسل جس میں 5,000 کنٹینر ہوتے ہیں، آپ یقین کیجئے کہ 5,000 کنٹینر والا ویسل آ کے گوادر پہ لگ سکتا ہے. جبکہ چائنا جانے کے لیے اس میں ایک درمیان میں ایک راستہ آتا ہے اسٹیٹ آف ملاقہ، آپ نائے ملاقہ جسے کہتے ہیں، وہ شیلو ہے، بڑے ویسل اس میں نہیں جا سکتے. تو وہاں کی چائنا کی ٹریڈ کے لیے آپ کو چھوٹے ویسل استعمال کرنے پڑتے ہیں، 10 کی جگہ 20 جاتے ہیں وہ. تو یہاں 10 میں آپ کا کام چل جائے گا اگر گوادر سے ٹریڈ کریں. وہ 6,000 میل لینڈ روٹ کی جگہ یہاں 3,000 میل کے فاصلے پہ ہمارے گوادر سے پاکستان کے لیے کافی بینیفیشری آپ سمجھتے ہیں؟ دیکھیں مطلب پہلے آج تک تو ہم صرف ایک افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کی بات کرتے تھے. افغانستان کتنا ملک ہے؟ چھوٹا سا. اس چھوٹے سے ملک میں ہماری ٹھیک ٹھاک آمدنی ہوتی تھی، ٹھیک ہے نا. تو سینٹرل ایشین اسٹیٹس کے 6 ملک مل جائیں گے، چائنا کا اتنا بڑا مل جائے گا، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہی آمدنی 6 گنا بڑھ بھی جائے گی ہماری؟ سمپل ایز دیٹ. بچہ بھی یہ سمجھ جائے گا کہ جب ایک افغانستان سے اگر بالفرض ایک افغانستان سے آپ 1 روپیہ کما رہے ہیں تو 7 ملکوں سے 7 روپے کمائیں گے، 8 ماہ یہ موجود ہے، تو کیا آپ کی انکم میں اضافہ نہیں ہوا؟ تو یہ ہمیں سی پیک سے، اور یہ کس کس کو فائدہ ہوا؟ افریقن کنٹریز جو ٹریڈ کر رہی ہیں، اگر سینٹرل ایشین اسٹیٹ سے ٹریڈ کرتی ہیں تو پہلے کس روٹ سے جانا ہوتا تھا؟ پہلے ان کو چائنا کس روٹ پہ جانا پڑتا تھا؟ تو جب روٹ لمبا ہوتا ہے تو فریٹ بھی زیادہ ہوتا ہے. واٹ اباؤٹ امپلائمنٹ؟ آپ یہ تمام چیزیں تو ہوئی کرنا صحیح ہے، اس سے ہم بینیفٹ لے سکتے ہیں، ایٹ دا سیم ٹائم امپلائمنٹ کیسے جنریٹ کیا جا سکتا ہے پاکستان اسپیسیفکلی؟ امپلائمنٹ جو جنریٹ ہوتا ہے، ایک مشکل بھی ہے آج کل، یہ مراحل بھی ہیں کہ نہیں یہ امپلائمنٹ جو ہے وہ زیادہ ان امپلائمنٹ ہو رہی ہے، تو یہ بھی تو ہے نا مسئلہ جو ہے. بالکل. دیکھیں امپلائمنٹ کی اگر میں صرف ایک جو ابھی میں نے بات کی ہے، صرف ایک میں بات آپ کو کور کرتا ہوں کہ ہم نے کہا نا کہ اتنے ملکوں کی ٹرانزٹ ٹریڈ میں اضافہ کریں، تو اگر میں یہ بات کروں صرف اتنا کہ یہاں پر پورٹ پہ سامان آئے گا گوادر کے، بالکل، تو وہ اترے گا یہاں سے کاشمیر کے بارڈر تک جائے گا، ٹھیک ہے نا. تو پاکستان میں ایک بزنس ہوتا ہے جسے کہتے ہیں لاجسٹک بزنس. بالکل. اس کی جو بڑی ایسوسیشن ہے نا، بہت وہ ہے پاکستان انٹرنیشنل فریٹ فارورڈرز ایسوسیشن. اس کے 600 سے اوپر ممبرز ہیں. اس کا مطلب ہے 600 رجسٹرڈ کمپنیز لاجسٹک بزنس سے وابستہ ہیں. اگر یہ جب سامان آئے گا گوادر سے کاشگر تک جانے کے لیے، تو اس کا جو لاجسٹک ہوگا یہ کون کرے گا؟ بہت سارے لوگوں کو پھر تو امپلائمنٹ جنریٹ ہوگا. Exactly. پھر تو ہزاروں میں نہیں لاکھوں میں ملے گا. میں ہوگا. اس لیے کہ آپ ایک لگا لیں کہ گوادر سے سامان جائے گا کاشگر تک، تو یہ اگر ہم
कोई पॉलिटिकल मसले है या कोई और मसले न रखे, एक कॉमन सी बात है ना, मतलब ये कोई ऐसी रीजन की बात, इंटरनेशनली जो हमारे फॉरनर्स हैं वो कैसे अट्रैक्ट हों पाकिस्तान की तरफ। देखिए ये सी पैक सिर्फ एक राहदारी नहीं है, राहदारी तो है लेकिन सिर्फ एक राहदारी नहीं है कि इसका एक्सेस वो पोर्ट के साथ है जो कि बिलाशुबा मतलब इस खत्ते में 18.2 मीटर की डेप्थ का और कोई नहीं है। इसके बाद जो दूसरे नंबर पे है वो सलाला यूएई का जो 16 मीटर का है, बाकी सारे 10-12 से ज्यादा नहीं है। तो इसका मतलब इतने बड़े वेसल हमारे पास डायरेक्ट आ सकते हैं, बड़े वेसल का मतलब है बजाय इसके कि चार वेसल मंगाए आपका दो में काम चल जाएगा, तो फ्रेट आपका कितना कम हो गया। फ्रेट के साथ ड्यूटी भी आपके अटैच रहती है, सीएनएस पे ड्यूटी लगती है, तो कॉस्ट एंड फ्रेट, तो जाहिर है जब फ्रेट कम लगा तो ड्यूटी भी कम हो गई, जब ड्यूटी भी कम लगी तो आपका सामान कितना सस्ता हो गया, बहुत ज्यादा हाफ प्राइस हो गया। अब जिस मुल्क में ये सामान जा रहा है उनको कितना फायदा है कि सामान सस्ता मिल रहा है, तो उनके पब्लिक तक ये बेनिफिट पास डाउन हो रहा है, उनकी पब्लिक तक तो पास डाउन हो गया, और उनका जो सामान बाहर जा रहा है तो उस पर भी तो फ्रेट कम लगा ना। अब जो इसका इतना 18,000 मील और 6,000 मील लैंड रूट से आता था वो आपकी बचत 24,000 माइल्स की आपकी बचत हो गई, तो कितना आपका वो फ्रेट कम हो गया, फ्रेट कम हो गया तो ड्यूटी कम हो गई, ड्यूटी कम हो गई तो कीमत कम हो गई, तो मार्केट में कॉम्पिटेटिव कितने हो जाएंगे आप। तो दुनिया भर की ट्रेड में ये सी पैक जो है आपको फैसिलिटेट कर रहा है। तो मेरा तो कहना यह बिलाशुबा, मैं खुद हैरान हूं कि हम इतने नेक पारसा तो है नहीं लेकिन अल्लाह ताला फिर भी हमें नवाज रहा है। अब उसके बेनिफिशियरी किस तरह बनते हैं ये हमारा काम है सोचने का। देखिए खाना आपको रेडी शेप में नहीं मिलता, रॉ मटेरियल मिलता है, खाना पकाना खेत से लाना पकाना सारा आपका काम होता है। तो ये जो वैल्यू एडिशन है ना ये तो हमने खुद करना पड़ेगा, ये सब हमें खुद करना है, और ये सब हमने करने के खातिर मैं आपको बताऊं बिलाशुबा बिल्कुल 1% फर्स्ट स्टेप क्या लेना चाहिए। देखिए फर्स्ट स्टेप हमें ये लेना चाहिए कि विद इन फोर वॉल्स ऑफ पाकिस्तान यहां की एक्टिविटीज हमारी अपनी होंगी, किसी का ट्रक आकर हमारे पास सामान ना ले जाए ये काम हम करके देंगे। ओके तो आपके पास तो इतना इतना रोजगार है कि मैं कहता हूं कि सिर्फ एक लॉजिस्टिक बिजनेस में ही आपके पास लाखों रोजगार हो जाएंगे। और ये जितना फिर बड़े शहरों में लोग पड़ रहे हैं ना, क्योंकि बड़े शहर में कोई क्यों रहता है, इनकम के लिए मेरे घर के पास किसी छोटे से गांव में अगर मेरी इनकम हो जाएगी मेरा घर चलेगा तो मुझे क्या जरूरत पड़ेगी बड़े शहर में आने की। तो रोजगार और अगर बड़े शहर वाले को भी कहीं अच्छा रोजगार दूसरे छोटे शहर में मिलता है तो चला जाता है, तो वो लोग जाएंगे, तो जब लोग जाएंगे वहां पर तो यू नो फिर पूरे पाकिस्तान में स्प्रेड हो जाएगी पाकिस्तान की पॉपुलेशन। चले सर ये तो हुई मार्केट की, इंटरनेशनल मार्केट की बात और इसके साथ साथ ओवरऑल इकोनॉमी की बात। अब हम थोड़ी पॉलिटिकल भी बात कर लेते हैं, ये जो पॉलिटिकल प्रोटेस्ट नजर आ रहे हैं, अपोजिशन थोड़ी यूनाइटेड नजर आ रही है, उसके बाद एट द सेम टाइम जब सारी चीजें अच्छी होती हुई बेहतरी की तरफ आ रही हैं, इस वक्त उनका ये नेगेटिव धरना करना या फिर ये नेगेटिव जो है वो इम्प्लीमेंटेशन करना चीजों को, तो आप कैसे देख रहे हैं इसको और कितना ज्यादा अफेक्ट करेगा ये? देखिए बात आपकी बिल्कुल सही है लेकिन मैं बड़े दुख के साथ इसका जवाब दे रहा हूं कि बदकिस्मती यह है कि हम कहते हैं मैं सबसे पहले, मेरा मुल्क जाए पीछे मैं सबसे पहले, ये सोच अगर हमारी है तो बिलाशुबा मैं कॉन्फिडेंटली कह रहा हूं वो मुल्क दुश्मन है। अब आप ये देखिए अभी रिसेंटली जो सब दुनिया हमारी देख रही थी हमारी तरफ FATF पर फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, तो उसमें अभी हम निकले नहीं हैं, वी आर मूविंग टूवर्ड्स बेटरमेंट, ठीक है ना, बट स्टिल वी आर इन ग्रे लिस्ट। तो अभी हम लोग ब्लैक लिस्ट में नहीं आना है, हमें व्हाइट पर जाना है। बिल्कुल, तो उनके क्या टर्म्स एंड कंडीशन है? अब आप एक मैं कहता हूं कि आप तो छोड़े, आप में भी कमर्शियल एक्यूमेंट है, बिज में भी है, छोटे से बच्चे को बुलाकर पूछ ले आप, तो वो भी यही बताएगा कि अब उनका सबसे बड़ा एक पॉइंट।